यूथ कांग्रेस द्वारा आज अलवर गेट थाने पर प्रदर्शन किया गया और रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट क्लब के रेलवे कर्मचारियों पर गलत तरीके से चालान बनाकर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए थाने पर बैठकर थाने के खिलाफ नारेबाजी की और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। यूथ कांग्रेस पदाधिकारी लोकेश शर्मा का कहना है कि बीती रात सीनियर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी अपनी पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान अलवर गेट थाना पुलिस दीवार कूदकर वहां पहुंचती है और सभी को हिरासत में लेकर थाने लेकर आया जाता है, जो कि सरासर गलत है, और थाने पर लाकर सभी का शराब के नशे में गाड़ी चलाने का चालान बना दिया गया। इस तरह के कृत्य निंदनीय हैं और अगर गाड़ी चलाते हुए शराब पीते हैं उनका चालान करना चाहिए। पुलिस केवल अपने टारगेट पूरा करने के लिए लोगों पर दबाव बना रही है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर वसूली करने का आरोप लगाते हुए संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कल रात को रेलवे के एम्प्लॉइज उनका जो यूनियन क्लब बना हुआ है वहाँ पे बैठे हुए थे और चाय वगैरह पी रहे थे। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई, ये लोग ऊपर से कूद करके उसमें क्लब के अंदर गए, वहाँ से 10-12 एम्प्लॉइज को उठाया, यहाँ थाने लेके आ गए। मालूम चली तो हमारे सुनील जी हैं, ये वहीं यहाँ पे थाने पे पहुँचे। जब पेपर सारे कंप्लीट हैं गाड़ी के, उन लोगों के अगर उन्होंने दारू पी थी, ये कह रहे हैं कि वो दारू पिए हुए थे या उस चालान में भी ये लिखा है कि गाड़ी पी दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, जबकि उन लोगों को यहाँ थाने लेके आया गया है, उनके पास पेपर कंप्लीट है और रात की एक वीडियो क्लिप भी है हमारे पास में, जिसमें RC और गाड़ी के पेपर सब साथ में वो दिखा रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। मतलब इस तरह का अपना टारगेट पूरा करने के लिए और आम जन को इस तरह से उठा के लाना, ये एक बहुत ही नकारात्मक रवैया लगा पुलिस का। जहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर होना ये चाहिए था CI साहब को आकर के इन छात्रों से और इन जो एम्प्लॉइज थे इनसे आके बात करते, उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई करी। कोई बात नहीं, अगर वो लड़के दारू पी रहे थे तो उनके ऊपर दारू का केस बनना चाहिए था, इससे मैं मना नहीं करता। अगर वो पी रहे थे तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, सरकार जैसा जो नियम है कानून है सबके लिए है। लेकिन जब वो दारू नहीं पी रहे हैं और उसके बाद आप उनको यहाँ डायरेक्ट लेके आए हो और यहाँ लाने के बाद चालान भर रहे हो और उस चालान के अंदर आप ये लिख रहे हो कि उक्त बंदा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया दारू पी करके, अगर वो लोग दारू तुम वहाँ से उठा के लेके आए, तुम्हारे को मुकदमा ये बनाना था कि भाई ये लोग दारू, 4 बंदों से पैसे की भी डिमांड यहाँ पर की गई कि भाई पैसे दे दो, तुम्हारी गाड़ी इतनी तो 2000 का चालान हो जाएगा। तो इस तरह की गतिविधियाँ बंद होनी चाहिए। CI साहब से हमारा निवेदन है, हमने कई बार थाने पर भी SP लेवल तक पे भी सट्टे की, शराबखोरी की और जो भी अनैतिक कार्य होते हैं उनकी मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से सीढ़ियाँ बना के भी दी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई आज दिन तक हुई नहीं है। हमारा अनुरोध है कि 3 दिन के अंदर अगर यहाँ पर ये चेंज नहीं होता सिस्टम, तो पूरी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस इस थाने का घेराव करेगी। मैं कैरी कारखाने का क्लब है हमारा, सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट, उसमें हम बैठे हुए थे। पुलिस की गाड़ी आई, ऊपर से बाउंड्री से कूद के अंदर आए वो और हमारे को उठा के वहाँ से ले गए, फिर ला के थाने में यहाँ हमारे को ज़बरदस्ती फूक पड़वाई गई, बोला आपने ड्रिंक कर रखी है ये वो, और इनने कुछ भी नहीं पूछा, अपने आप चालान भर दिया और हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, गाड़ी उठा के लेके आ गए, चाबी छीन ली हमारे से और फिर ये बोले कि आप, और हमारे से गाड़ी के कागज़ थे हमारे पास और इनने गाड़ी के कागज कुछ नहीं पूछा और इनने चालान काट दिया हमारा। बोले शराब पी के वाहन चला रहे थे, ये गलत चालान काटा है हमारा, पता नहीं हमारा। और हमने बोला क्या बात है क्या है, तो ये पैसे मांगे हमारे से इन्होंने, आज क्या कर रहे हैं ये गलत चालान को सही करावाना हमारा।